दोस्तों आपको याद होगा जब हम आपके लिए PlayStation 5 की वीडियो लेकर आए थे तब हमने उसमें कुछ गेम्स भी आपको बताई थी और आज उन्हीं में से एक गेम की डिटेल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गेम का नाम है Bloodborne 2। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों Bloodborne 2 की जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट Bloodborne थी वो 24 मार्च 2015 को रिलीज हुई थी, जो एक्सक्लूसिव PlayStation 4 टाइटल है। आप सभी को पता ही होगा सिंगल प्लेयर एंड मल्टीप्लेयर दोनों पर आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। साथ ही ये गेम डेवलप की थी फ्रॉम सॉफ्टवेयर ने एंड इसके पब्लिशर हैं सोनी इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सोनी की जितनी भी एक्सक्लूसिव गेम्स होती हैं वो मोस्टली सब बहुत अच्छी होती हैं और सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, भले ही वो प्लेस्टेशन गेमर्स हैं या नहीं है। पीसी गेमर्स को भी ये एक्साइटमेंट रहती है कि यार टाइमली एक्सक्लूसिव हो जाए कोई गेम और हमें भी खेलने को मिल जाए। जैसे अभी आपको पता ही है कि डेथ स्टैंडिंग के साथ हुआ है और वो गेम 2020 में अब पीसी पर भी रिलीज होने जा रही है। उसी के साथ एक गेम का नाम है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन, उसे भी कहीं ना कहीं एक तरह से कंफर्म कर दिया है कि वो भी पीसी पर रिलीज होगी। लेकिन कुछ टाइटल ऐसे होते हैं जिनका सोनी कभी भी कॉपीराइट सेल नहीं करता, तो आप इस गेम को भी उसी कैटेगरी में रख सकते हैं। जहां तक Bloodborne 2 का सवाल है तो इसे भी काफी लार्ज स्केल पर डेवलप किया जा रहा है गेम को। पहले से अगर देखा जाए तो अगर पहले कि इस गेम का जो बजट है 500 करोड़ है तो इस बार उसका बजट रखा गया है 1000 करोड़। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, करेक्ट फिगर तो हमें भी नहीं मालूम लेकिन आप इतना आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि इस गेम ने अपना जितनी फैक्टर कॉस्ट होती है किसी गेम की, लागत आती है गेम बनाने में, उससे ज्यादा पैसा कमाया था और ये गेम एक तरह से कह सकते हैं PlayStation हिट्स में शामिल हो गई थी। और जहां तक सवाल है दोस्तों इसकी स्टोरी का, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्लॉट है वो बर्थ एंड रीबर्थ पे ही डिपेंड करता है, यानी कि जन्म एंड पुनर्जन्म। इस तरह की आपने फिल्में भी बहुत देखी होगी लेकिन गेम में फर्स्ट टाइम एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंप्लीमेंट होने जा रहा है ये कंसेप्ट और पूरी तरह से फोकस किया गया है इसी चीज पर। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जहां तक सवाल है दोस्तों इसके गेम प्ले का, तो इसके अंदर आपको पहले से भी ज्यादा काफी वायलेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जो इस गेम की स्ट्रेटेजी है उसे चेंज नहीं किया गया, यानी कि जो उसका एक तरह के मैकेनिक भी आप कह सकते हैं आरपीजी गेम है तो वो आरपीजी ही आपको गेम देखने को मिलेगी। उसमें एक्शन एडवेंचर हैक एंड स्लैश के थोड़े थोड़े पार्ट आपको नजर आएंगे लेकिन मेन फोकस इसका आरपीजी पर रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस गेम के ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स भी गेम के बहुत ही औसम होने वाले हैं, क्योंकि सीधी सी बात है यार आपको पता ही है कि अगर गेम 2021 में रिलीज होगी तो उस टाइम के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ग्राफिक्स क्या होने वाले हैं। नेटिव 4K ग्राफिक्स तो आपको देखने को मिलेंगी, साथ ही ये गेम अप टू 8K भी सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि Bloodborne फर्स्ट किस किसने खेली है, किस किसने उस गेम का एंड किया है। मैं भी प्लानिंग कर रहा हूँ यार कि उस गेम को दोबारा से खेलूं, क्योंकि मैंने खेली तो थी लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली उस गेम का एंड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत बड़ी गेम होती है। और आपको पता ही है यार लाइव स्ट्रीम में जो वॉचिंग है उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हमें कोई ऐसी गेम चूज करनी होती है जो लोगों को ज्यादा बोर ना करें, एंटरटेन करती रहे। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आपकी एक कितनी फेवरेट है गेम, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।